सबसे बुजुर्ग दो सब लोग आ गए। यहाँ पे आए हुए जितने भी हमारे मीडिया जगत के भाई लोग हैं सबके लिए एक शो। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका सीतापुर वासियों को लंबे समय से इंतजार था। बड़े दिन यानी क्रिसमस डे के अवसर पर शहर वासियों को बड़ी सौगात मिली है। मूवी और शॉपिंग के शौकीन लोगों को अब लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि अब उन्हें शहर में ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मल्टीप्लेक्स की सौगात मिल गई है। दर्शकों को अब अपने ही शहर में PVR फन आइनॉक्स सिनेमास जैसी सुविधाएं मिलेंगी। शहर के हरदोई रोड स्थित पैंगिंग टावर में मिलास सिनेमास का उद्घाटन प्रेमलता गल नारायणी देवी पहलाद महावर व महेश सिंघानिया द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर सोमवार को किया गया। उद्घाटन अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में मल्टीप्लेक्स के पार्टनर कुश नारायण सहगल ने बताया कि सीतापुर वासियों को मूवी और शॉपिंग का आनंद लेने के लिए लखनऊ न जाना पड़े इसे देखते हुए मल्टीप्लेक्स का शुभारम्भ किया गया है। मल्टीप्लेक्स को सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए बनवाया गया है। साथ ही दर्शकों को लिफ्ट व पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मिराज सिनेमाज देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। पूरे देश में उसकी तकरीबन 225 स्क्रीन है। मल्टीप्लेक्स में 3 स्क्रीन है और एक साथ अलग अलग स्क्रीन पर अलग अलग अपनी पसंद की मूवी के अनुसार दर्शक आनंद ले सकते हैं। दर्शक यहां आकर मूवी का आनंद लेने के साथ कैश और फूड कोर्ट में खान पान की चीजों का भी लुफ्त उठा सकते हैं। कुश नारायण सहगल ने बताया कि उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय ऋतु सहगल का निधन हो जाने के कारण मल्टीप्लेक्स खोलने में थोड़ी देर जरूर हो गई है। यह सौगात उन्हीं को समर्पित की गई है। शहर वासियों को खास सौगात देने के बाद आई इंडिया को मल्टीप्लेक्स की विशेषताओं के बारे में पार्टनर कुश नारायण सहगल ने बताया। हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे इस चीज़ का कि इसको हम लोग जल्दी से जल्दी चालू करें, लेकिन कुछ 10-15 दिन पहले हम कोशिश कर रहे थे कि ये 25 दिसंबर तक स्टार्ट हो जाए कि हमारे नए साल पे जो बच्चे बाहर जाते हैं जिनकी छुट्टियाँ होती हैं स्कूल की, जिनको थोड़ा सा मूवीज़ देख सकते हैं, लखनऊ जाते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने सोचा कि इधर स्टार्ट करने के लिए हम लोगों के लिए बहुत अच्छा समय था। ये हमारे यहाँ 3 ऑडी हैं जिसमें 462 सीटें हैं और हर ऑडी में अलग अलग, किसी में 150 सीट्स हैं, किसी में 155 सीट्स हैं और 5 शो जो है हमारे यहाँ पर डे यहाँ पर चलेंगे एक स्क्रीन में। तो 5 शो में हम तीनों ऑडी में अलग अलग शोज़ हमारे यहाँ चलेंगे और जिसको भी इस शो का आनंद लेना हो, एक्लाइनर्स हमारे यहाँ जो आजकल जो सीट्स हैं, एक्लाइनर्स हैं जो आजकल के समय के हिसाब से हैं, जो हमारे यहाँ लोग लखनऊ जाते हैं, तो वो हम लोगों ने कोशिश की है, हम हमारे पार्टनर्स सब ने मिलके, कि इसको ऐसा बनाया जाए कि जो लखनऊ जाते हैं तो एक बारी ज़रूर हमारे यहाँ आके देखें और इसका आनंद उठाएँ। मल्टीप्लेक्स के पार्टनर अतुल महावर ने बताया कि मल्टीप्लेक्स की खास बात यह है कि यहां 2 ऑडी में 3D मूवी देखने की सुविधा उपलब्ध है जिसके लिए दर्शकों को लखनऊ जाना पड़ता था। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स पूर्ण रूप से वातानुकूलित है, साथ ही बेस्ट इन क्लास साउंड सिस्टम, रिक्लाइनर सीट, अंडरग्राउंड पार्किंग के साथ साथ यहां आने वाले दर्शकों की सुरक्षा के भी खास इंतजाम रहेंगे। यही नहीं, दर्शकों की जेब पर ज़्यादा बोझ ना पड़े इसके लिए हर दिन टिकट का रेट बदलता रहेगा और हफ्ते में एक दिन टिकट का रेट सबसे कम रहेगा। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने अभी भैया से सुना कि 3 ऑडी हैं और सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हैं, भैया आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया कि सीतापुर के अंदर ऑडी तो पहले से थी लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3D का सिस्टम नहीं था। हमारे यहाँ 3 ऑडी में से 2 ऑडी 3D हैं। हम लोग 3D मूवीज़ का भी आनंद दर्शकों को दे सकेंगे और दर्शक ले सकेंगे, पहली चीज़। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पे बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था दी है और हमारी जो फूड क्वालिटी है वो हम लोग पूरी बेहतर रखने की कोशिश करेंगे और एकदम हाई एंड पे फूड खिलाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर हम लोग ऊपर एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और 6 महीने के अंदर हम लोग एक फन जोन, गेम जोन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज भी हमारे आपके घरों में बच्चों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है एंटरटेनमेंट का,
तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोग फुल फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए ये मॉल को समर्पित करेंगे। मल्टीप्लेक्स के अन्य पार्टनर पुलकित सिंघानिया ने बताया कि अभी तो शुरुआत है, शहर वासियों को बहुत कुछ देखने की तमन्ना है। 6 माह के भीतर हम लोग उच्च स्तरीय फूड कोर्ट, बच्चों के लिए फन जोन के साथ विभिन्न तरह के क्लोथिंग ब्रांड के शोरूम भी खोले जाएंगे, ताकि यहाँ आकर दर्शक मूवी का मजा लेने के साथ साथ शॉपिंग का भी आनंद ले सकें। नहीं नहीं, हम लोग जितने भी लोग हैं, चाहे हम हों, चाहे सहगल जी हों, चाहे महावर जी हों, चाहे सिंघानिया जी हों, हम लोग यहाँ रुकेंगे नहीं। और हम लोग की अभी मंशाएँ बहुत हैं, और हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हर महीने, 2 महीने 3 महीने पे कुछ ना कुछ नया जो है करते रहें। और ये हम लोग की इससे बहुत उम्मीदें हैं, यहाँ पब्लिक आए, पब्लिक इसको पसंद करे, उनके लिए हम लोग ने बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है। अगर हम लोग को पब्लिक से अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हम लोग और प्रोत्साहित होंगे, और हम लोग जो है और नया नया करेंगे। अभी यहाँ रुकेंगे नहीं, फूड कोर्ट है, गेमिंग जोन है, फिर ब्रांड्स की रिटेल शॉपिंग भी है, फिर बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं। हम लोग की भी इच्छा ये है कि शहर को कुछ नया अच्छा मिलता रहे, और पब्लिक से हम लोग की यही उम्मीद है कि पब्लिक भी जो है चीज़ों की बिल्कुल मेंटेनेंस में जो है हम लोग का सहयोग ज़रूर करें। मिराज सिनेमाज बेसिकली बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में लोग नहीं जानते हैं, सबने PVR वेज यही आइनॉक्सी सुना है। उसका कारण यह है कि मिराज सिनेमाज बी टाउन में जो छोटी सिटीज़ हैं वहाँ ज़्यादा आ रहा है, और मिराज को लेने का सबसे बड़ा हम लोग की मंशा यही थी, क्योंकि मिराज एक एक्सपर्ट है सिनेमा के फील्ड में, आज वो इतने सालों से सिनेमा का काम कर रहा है। तो हम लोग आज सीतापुर को जो भी देने जा रहे हैं, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं करना चाहते थे, हम लोग यही चाह रहे थे कि 2 पैसे ज़्यादा लगें लेकिन चीज़ बिल्कुल टॉप क्लास बनकर आए। तो आज अभी जब आप लोग को हम लोग शो दिखाएंगे 8 बजे, तो आप लोग देखेंगे कि साउंड क्वालिटी, स्क्रीन क्वालिटी सब बिल्कुल टॉप क्लास है। तो मिराज को लेने का ही यही है कि लोगों को ये महसूस ना हो कि हम सीतापुर में देख रहे हैं, क्वालिटी की कहीं कमी रही। टिकट में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि एक तो हम लोग के यहाँ टिकट सबसे ज़्यादा हैं, आज सीतापुर में हम लोग 3 स्क्रीन चला रहे हैं, सब मिला के 450+ सीटर है। तो एक तो सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि लोगों को हाउसफुल मिलने की उम्मीद थोड़ी कम है, अच्छा है मिले, मूवी अच्छी आए, लेकिन सीटें ज़्यादा हैं तो लोगों को उपलब्धता हमेशा रहेगी। और प्राइस का भी कोई हम लोग का ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊंचा रखना है, हाँ इतना प्राइस ज़रूर रखना है कि हम ये क्वालिटी मेंटेन कर सकें, लोग जब यहाँ आए देखने तो उनको बढ़िया लगे। तो क्योंकि मेंटेनेंस है तो हर सब चीज़ों के पीछे एक कॉस्ट है। आज हम लोग ने पूरी क्वालिटी और ये सब जो इम्फेसिस की है वो इसीलिए की है कि हम लोग सीतापुर को वो देते रहें। तो टिकट का ये है कि बहुत ज़्यादा कोई ऊंचा रखने की वो नहीं है, बस इतना है कि हम पब्लिक को दोबारा वो क्वालिटी देते रहे। बताते चलें कि मिराज सिनेमाज उदयपुर राजस्थान की एक प्रतिष्ठित चेन है, जो PVR सिनेमाज के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी चेन है। दर्शकों के लिए 26 दिसंबर यानी मंगलवार से मल्टीप्लेक्स खुलेगा। मल्टीप्लेक्स में 2 तरह के टिकट होंगे, एग्जीक्यूटिव क्लास और गोल्ड क्लास। दर्शकों के लिए रोजाना 4 शो होंगे। पहला शो सुबह 9 बजे से शुरू होगा और आखिरी शो देर रात 10:30 बजे से शुरू होगा। सुरक्षा के लिहाज से मल्टीप्लेक्स में प्राइवेट गार्ड के अलावा मल्टीप्लेक्स के बाहर 112 नंबर की पुलिस भी तैनात रहेगी। उद्घाटन अवसर पर संदीप महावर, राज नारायण सहगल, राजेश नारायण सहगल, विजय भार्गव, ओम प्रकाश सिंघानिया, आशीष सिंघानिया, कमल महावर, विजय महावर, सूर्यान सहगल, गौतम सहगल, हर सहगल, आयुष सहगल, मोहित जायसवाल, मिराज सिनेमाज के प्रोजेक्टर मैनेजर संतोष यादव, स्क्रीन मैनेजर चंद्र प्रकाश सूर्या, ड्यूटी मैनेजर देशराज सहित सहगल, महावर व सिंघानिया परिवार के सदस्य मौजूद रहे। सीतापुर से आई इंडिया की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।